पटवार भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित ट्रेनिंग कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। ट्रेनिंग समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी अमित खत्री की माता कृष्णा देवी व नागरिक अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिला के लगभग 100 स्कूलों से 50 महिला व 50 पुरुष अध्यापकों ने भाग लिया। इन अध्यापकों ने उन्हें टीएडीए के रूप में मिली लगभग 15,000 रुपये की राशि नंदीशाला के लिए दान दी। समापन शिविर को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश भोला ने स्वास्थ्य रहने के टिप्स दिए और प्राथमिक उपचार के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट एड की जानकारी हासिल करके बच्चे किसी भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। किसी भी हादसे के बाद किस प्रकार से प्राथमिक सहायता दी जाती है उसके बारे में जान सकते हैं। घायल व्यक्ति को कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को सड़क पार करने, जंगली जानवरों से बचाव, पहाड़ को पार करने के बारे में जानकारी दी। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव राजकपूर सूरा ने बच्चों को रक्तदान का महत्व समझाते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जान ब्लड से बच सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करे। जिला प्रशिक्षण अधिकारी और कैंप इंचार्ज ईश्वर सांगवान ने कहा कि यदि हमें प्राथमिक उपचार की जानकारी होगी तो हम किसी की भी जान बचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने बच्चों को सड़क पार करने, जंगली जानवरों से बचाव, पहाड़ को पार करने के बारे में जानकारी दी। कैंप में रेडक्रॉस सोसाइटी में कार्यरत सरोज और बबीता ने भी अध्यापकों को प्राथमिक उपचार की जानकारी लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में खास तौर पर कार्यक्रम अधिकारी आर एस मंडल ने भी विचार व्यक्त किए। पेश है हरियाणा के जींद से प्रमजित की एक रिपोर्ट। हमारे जिला जींद उपायुक्त महोदय की दिशा निर्देश में और जो रेड क्रॉस सचिव है उनकी देखरेख के अंदर जो है जीआरसी अध्यापक काउंसलर्स का जो है एक कैंप लगाया गया और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं जो कि प्राकृतिक आपदा को लेकर के हैं या फर्स्ट एड को लेकर के हैं या एचआईवी एड्स की अवेयरनेस के विषय में है, तो हमारे विभिन्न स्कूलों से यहाँ जो है महिला व पुरुष अध्यापकगण यहाँ उपस्थित हुए और प्रत्येक स्कूल के अंदर इस तरह की एक फोर्स होती है जो 10 से 20 स्टूडेंट उसके अंदर होते हैं, तो इन अध्यापकों का अवेयरनेस कैंप यहाँ लगाया गया जो कि आगे चल करके अपने स्कूलों के अंदर बच्चों को अपने आप ही अच्छी शिक्षा देंगी। हमारी बेटियाँ जो टीचर हैं, सर टीचर डॉक्टर साहब है, ये अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे समाज को। और मोबाइल को तो कम से कम यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें से तरंगे निकलती हैं जो कि हमारे दिमाग को, शरीर को नुकसान करती है। हमें यूज करना चाहिए, इसको दूर रख देना चाहिए, न कि जेब में डालना या दिल के पास नहीं रखना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही।